ड्रामा, कॉन्ट्रोवर्सीज और खूब सारा हंगामा। हम बात कर रहे हैं बिग बॉस 13 की। आपका स्वागत है बिग बॉस के अड्डे में। मेरे साथ है यास्मीन, आरती जी और दर्शिका। आज हम बात करने वाले हैं पारस छाबड़ा की, जो कि एड़ा बनकर पेड़ा खाने में लगे हुए हैं। यास्मीन, देखा जाए तो हाल ही के एपिसोड में पारस छाबड़ा की वजह से दो हसीनाएं लड़ गईं, तो इस पे तुम क्या कहोगी? बिल्कुल, कल मतलब मैं स्टार्टिंग से एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ग्रैंड प्रीमियर के टाइम पारस ने एक वर्ड यूज़ किया था, संस्कारी प्लेबॉय, जिस पर सलमान भी शॉक्ड हो गए थे कि ये क्या होता है। अब उसी वर्ड का वो एक्चुअल में जवाब अपने परफॉर्मेंस से दे रहे हैं शो में। मतलब होता है ना कि एक अनार सौ बीमार एक कहावत होती है, वो कहावत को अब इन्होंने थोड़ा सा बदल दिया, एक अनार दो बीमार। जैसा कि कल के शो में हुआ कि माहिरा और शहनाज गिल दोनों आपस में भिड़ गई हैं, किसके लिए? पारस की वजह से। मतलब पारस एक्चुअल में वो, जैसा तुमने कहा कि एड़ा बनकर पेड़ा खा रहे, वो एक्चुअल में वो चीज़ करके दिखा रहे हैं वहाँ पर। क्या कहना चाहो? देखो, इसमें पता है बेहद दिलचस्प, जैसे कि अभी यास्मीन ने बताया कि संस्कारी प्लेबॉय बनकर आए थे वो सामने। उनको पता है कि बिग बॉस में अगर टिकना है तो कुछ ऐसा मसाला देना होगा जिसकी वजह से वो अपने गेम को और आगे बढ़ा पाएँ। तो उन्होंने सबसे पहले जो टारगेट किया वो था शहनाज गिल, क्योंकि शुरू जब हमने पहला एपिसोड देखा तो सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग वही रही थी। तो यही वजह है कि वो पहले ही एपिसोड से लगातार शहनाज गिल के आसपास ही चक्कर लगाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये फुटेज यहाँ से इसके साथ अगर मैं रहूँगा तो उसे फुटेज मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा जहाँ तक माहिरा शर्मा की बात है, माहिरा शर्मा के साथ उसकी अच्छी ट्यूनिंग है। इसके अलावा आरती सिंह के साथ भी उसकी अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिल रही है। तो वो सबके साथ अच्छा बनके अपने आप को शो में दिखाने में काफ़ी कामयाब हो रहा है, मुझे ये लगता है। एक बार ऐसा हुआ कि माहिरा शर्मा भी, मतलब माहिरा शर्मा ने उनसे कहा कि अब तुम मेरे और शहनाज में से किसी एक को चुन लो। इससे पहले शहनाज ने भी यही बात उनसे कही, लेकिन देखा जाए तो पारस जो है वो शहनाज की तरफ है, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं वो इस चीज़ को लेकर कि वो मतलब बीच में वो एक्चुअल में वो एड़ा बनकर पेड़ा खाते हुए ही दिख रहे हैं। मतलब ना वो शहनाज के तरफ नहीं है, वो कंफ्यूज नहीं, वो बहुत स्मार्ट है। इसे स्मार्ट गेम कहते हैं, क्योंकि उसको पता है कि शहनाज के साथ तो रहना है, शहनाज के पीछे वो एक अलग उसके साथ केमिस्ट्री बना रहा है, और उसके अलावा उसको दूसरे घर के लोगों का सपोर्ट भी चाहिए। तो वो उनके साथ भी, अब जब शहनाज और माहिरा के बीच में झगड़ा हुआ तो शहनाज ने कह दिया कि अब तुम सिर्फ या तो मेरे साथ रहोगे या माहिरा के साथ रहोगे, उसने बहुत क्लियर कर दिया। लेकिन उसके पहले तो उसने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम ही हो, जो तुम कहोगे वैसे ही करूंगा। लेकिन अब के बाद भी था कि आपको एक चीज चूज करनी होगी, जूस करो या चाय करो। तो देख, उसमें यही है कि वो दोनों ना, मतलब इसी, वो चाहती है कि मेरी तरफ आ जाए, लेकिन माहिरा ये खुल के नहीं बोलती कि ये मेरा दोस्त है, बस ये बोल के। लेकिन बॉयफ्रेंड वाली बात पर वो चढ़ गई थी कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है वो, और मैं शो में ये करने आई नहीं हूँ। लेकिन और उसमें वही शहनाज गिल भी वही रोने लग गई थोड़ी देर बाद, और पूरा ड्रामा कर दिया कि मैं तो इसे लाइक ही नहीं करती और तुम्हें रखना है तो तुम रख लो, मेरे को नहीं चाहिए। एक और बात भी तो है, जब पहले तो उसने शहनाज को बोला कि ठीक है मैं उससे बात नहीं करूंगा, और उसके थोड़ी ही देर बाद हमने देखा कि वो फिर से माहिरा शर्मा के पास जाते हैं। हाँ, उससे बोल रही थी कि तुम जाओ उसे बोलो कि तुम शहनाज के साथ हो, मेरे साथ नहीं। और यही है, मतलब वो कुल मिला के सबकी तरफ अच्छा बनना चाहते हैं और शो में आगे इसी को लेकर बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो गेम खेल रहे हैं एक्चुअल में। पारस ने क्या किया था कि बात किसी और से करते हुए कि माहिरा जो है वो उन्हें पैम्परिंग हमेशा से मिली है, तो उन्हें ये चीज़ सही नहीं लग रही है कि मैं शहनाज के तरफ हूँ, वो ये बात भी करते हैं। मतलब वो दोनों साइड से डबल गेम करते हुए एक स्ट्रेटजी चला रहे हैं अपनी यहाँ। तो यास्मीन, ये कह सकते हैं कि पारस छाबड़ा बिग बॉस में कैसोनोवा वाली इमेज बना रहे हैं, और जैसे उन्होंने पहले कहा कि मैं प्लेबॉय, संस्कारी प्लेबॉय हूँ, तो वो इस वजह से लाइमलाइट बटोर रहे हैं और उनकी यही स्ट्रेटजी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे उनकी जो गर्लफ्रेंड है आकांक्षा पुरी, उन्होंने भी एक हाल फिलहाल एक स्टेटमेंट दिया है कि मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें पूरा इस चीज़ पर ट्रस्ट है। उनका कहना है कि अगर वो शो में दोनों लड़कियों को मतलब फंसाते हुए आगे बढ़ रहे, तो इट मीन्स कि वो विनर भी बन सकते हैं, तो उन्हें पूरा इस चीज़ पर ट्रस्ट है। अब वैसे एक चीज़ मुझे यहाँ पे लगती है कि आने वाले एपिसोड में जो जब ये एक सीन आता है कि उनके घर क्लोज वंस आएंगे घर पे, तो अगर उस टाइम पे अगर आकांक्षा पूरी आ जाती है, तब मुझे ये चीज़ देखने वाला है सीन की शहनाज गिल और माहिरा शर्मा का रिएक्शन कैसा रहेगा इस पर। बिल्कुल यास्मीन, मुझे भी यही लगता है कि वो सिचुएशन देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ऐसा हमने पिछले एपिसोड्स में भी देखा है, जब अचानक से अंदर जो हाउस में लोग रहते हैं तो वो पहले अपनी इधर उधर केमिस्ट्री बनाने की कोशिश करते हैं, और अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड सामने आ जाती है। तो ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अगर पारस की भी गर्लफ्रेंड को बिग बॉस घर में भेज देते हैं तो पारस का क्या होगा।
मुझे वैसे लगता है कि उनको कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि वो पहले बोल रही हैं कि वो जितना मुझे लग रहा है वो दोनों लड़कियों को लड़वा सकते हैं शो में, तो मतलब वो शो जीत चुके हैं। प्रॉब्लम गर्लफ्रेंड की नहीं है, प्रॉब्लम ना गर्लफ्रेंड की ना पारस की है, प्रॉब्लम उन लोगों की है जिनके साथ वो केमिस्ट्री बनाने की कोशिश करें, जैसे शहनाज गिल हुई और मायरा हुई। और शहनाज गिल तो इतनी अटैकिंग है, वो तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया रिएक्ट करेंगी अगर ऐसा। शहनाज जैसे मायरा शर्मा को लेकर भी, मायरा शर्मा से ही वो इतना चिढ़ चुकी हैं, तो जब आकांक्षा पूरी आएंगी तो बिल्कुल ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वहीं अगर बात करें दर्शिका, अभी इस एपिसोड में, पिछले एपिसोड में सिर्फ पारस छाबड़ा ने दो हसीनाओं को तो लड़ा दिया, लेकिन साथ ही साथ कोयना मित्रा और बहुत सारे, रश्मि देसाई ने भी अपने जो उनके लव इंटरेस्ट रह चुके हैं या उनके जो भी, उन्होंने काफ़ी खुलासे किए अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? अभी कोयना मित्रा ने अपने रिलेशन के बारे में बताया कि उनका जो पिछले वाला रिलेशन था वो बहुत ही पजर्सिव थे और बहुत, मतलब उनको बहुत टॉर्चर करते थे, कि उन्हें ऐसा लगता था कि मैं उनके साथ नहीं रह पाऊँगी, मैं इतनी बोल्ड हूँ, और वो सारी चीज़ें उन्होंने शो में बताई। फिर उन रश्मिका और सिद्धार्थ का भी दिखाया गया कि वो छोटी छोटी बातों पर कि तुम तो किचन में ऐसे करते नहीं हो, मतलब उनकी छोटी मोटी नोकझोंक थी लेकिन बहुत स्वीट थी, अच्छा लगा देखना। आरती सिंह ने भी अपने मतलब पास्ट को लेकर कुछ बातें बताई है कि मैं डिप्रेशन में आ गई थी कुछ वक्त काम ना मिलने की वजह से। तो इस चीज़ को लेकर सिद्धार्थ डे ने एक टॉपिक उठाया है बीच में, सिद्धार्थ डे भी लाइमलाइट में आने की कोशिश की उन्होंने, उन्होंने क्या किया कि रश्मि देसाई को टारगेट किया उन्होंने सबसे पहले, कि दो ही शोज़ किए इन्होंने, जैसे कि खुद को फिल्म की हीरोइन समझती हैं अपने आप को, मतलब इस टॉपिक को उठाया उन्होंने कि यहाँ पे सिर्फ शो छोड़ छोड़ के आ गए, सब यहाँ पे शो से निकाल दिया गया है, इनके पास कोई काम नहीं है तो बिग बॉस में आ गए, जिसे लेकर कोयना मित्रा ने उनसे सवाल किया, काफ़ी बहसा वैसी हुई थी इस चीज़ को। बिल्कुल, यास्मीन सिद्धार्थ डे भी कहीं ना कहीं आरती जी देखा जाए तो अब लाइम लाइट में आने की कोशिश करें, उन्हें डर है थोड़ा सा कि कहीं सेलिब्रिटीज़ के आगे, क्योंकि सब टीवी के जाने माने फेमस नोन फेसेस हैं, तो कहीं ना कहीं उनका फीका पड़ रहा है शो में, उनका ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, वो लाइम लाइट में आ नहीं पा रहे। तो क्या लगता है सिद्धार्थ डे ने जो एंड में भी, एपिसोड के एंड में भी इतने नौटंकी करी और काफ़ी कुछ कहा कि मुझे निकाल दो, तो उस पर क्या? तन्वी, दो तीन चीज़ें हैं, हम जितने भी अभी तक बहुत से एपिसोड देख चुके हैं, हर एक एपिसोड में एक एक कैरेक्टर होता है, एक होता है बहुत डिस्प्यूटेड कैरेक्टर जो कि अजीब गरीब हरकतें करता है जिसकी वजह से वो लाइमलाइट में रहता है, दूसरा होता है वो किसी ना किसी के साथ लव अफेयर और वो केमिस्ट्री बनाने के आ जाता है ना। तो अभी तक के इस बिग बॉस में अगर हम देखें तो हमें ये दो तीन मिल चुके हैं। इसके अलावा एक और ऐसा होता है बड़ी जो बड़ी समझदारी के साथ चलता है, लगता है कि घर का मुखिया यही है, सब कुछ संभाल के यही चलेगा, जो अक्सर लंबा भी खेलता है। तो अभी तक इस वाले बिग बॉस में हम लोग ये चीज़ें देख चुके हैं, जैसे कि पारस छाबड़ा अगर अपनी रोमांटिक इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं आरती सिंह हुई वो अपने आप को बहुत समझदार एक उस कैरेक्टर में लेकर आ रही है कि हर इशू पे वो बोलेंगी और बड़े बैलेंसिंग तरीके से। इनफैक्ट जैसे कि कोयना मित्रा भी हालांकि इसी कोशिश में है, लेकिन वो उतनी फुटेज नहीं ले पा रही अभी तक, पर मुझे ऐसा लग रहा है वो लीडर बन रही हैं घर में, हर चीज़ में कोई भी उनकी बात नहीं होती लेकिन फिर भी वो कूद जाती हैं बीच में कि ऐसे नहीं तुमने ये किया। सिद्धार्थ डे को भी अभी उनका शो में कुछ था नहीं ऐसा, लेकिन उनको प्रवोक कर रही थी कि तुम इसको ऐसे कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो बस वही चीजें हैं कि वो बीच में कूद रही हैं सब। हो सकता है कि कोई ना की स्ट्रैटेजी, अभी इसमें कोई डिस्प्यूटेड टाइप का इंसान नहीं आया, मुझे लगता है शायद सिद्धार्थ डे की एक कोशिश होगी कि जिस तरह से उसने बोला कि अभी जिन लोगों के पास काम नहीं है वो उठ के बिग बॉस में आते हैं। आपको एक और बात है इंटरेस्टिंग, हो सकता है कि सलमान खान इस बात पर आपत्ति भी जताए, क्योंकि बिग बॉस एक इतना बड़ा शो है जहाँ पर आके सबको एक पहचान मिलती है, और ऐसा नहीं कि वहाँ से कोई भी उठकर बिग बॉस के घर में जा सकता है। बिल्कुल, ये कहना उसको, उनको भारी भी पड़ सकता है। ऐसा पिछले कई सीजन्स में भी हुआ है कि अगर कुछ भी ऐसी बात बोली जाती है, किसी पर पर्सनल कमेंट्स किए जाते हैं या किसी के प्रोफेशन को लेकर बात की जाती है, तो सलमान खान वीकेंड के वार में क्लास लगाते हैं। वहीं आज वीकेंड का वार है यास्मीन, तो उस पर क्या बोलना? अपकमिंग एपिसोड में ऐसा दिखाया गया कि सलमान जमकर वाट लगाने वाले हैं सब कंटेस्टेंट्स की। एक तरफ वो पहले तो पारस की वाट लगाते हैं, कहते हैं उन्हें कि तुम्हारी यहाँ पे क्या किस वाला जो तुमने स्टेटमेंट दिया है, सब कैलोरीज बर्न करोगे उसी से, फिर तो और ज़रूरत ही नहीं तुम्हें किसी चीज़ की। इसके बाद फिर वो रश्मि देसाई, देवोलीना, इन सब को लेकर भी कमेंट करते हैं कि इस चीज़ को लेकर बहुएँ सारी एक तरफ हो गई हैं, मतलब जमकर अब सबको बोलने वाले हैं यहाँ पर आने वाले एपिसोड। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे कि मैंने लास्ट कल के एपिसोड में बताया भी था कि देवोलीना को जिस तरह से चुना गया था, उन लोगों ने क्वीन ऑफ द हाउस चुना गया था, उस पर सवाल उठाया है सलमान ने, जो अभी आने वाले रिकैप में जिस तरह से दिखाया है कि उन्होंने भी ये कहा कि भाई बाकी लोगों ने क्यों नहीं बोला, और आखिरकार वही बात सामने आ गई। इन सब
में एक चीज हुई है कि शेफाली बग्गा जो बीते दिन इतना ज्यादा लाइमलाइट बटोरा था उन्होंने, इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की, वहीं कल के एपिसोड में बिल्कुल वो कॉर्नर थी, बिल्कुल शांत थी, उनका कोई भी कहीं पे इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा था मुझे। वो खड़ी थी, सब जगह बातें सुन रही, लेकिन उनका कोई इन्वॉल्वमेंट कहीं दिखा नहीं। सिद्धार्थ डे का एक चीज मुझे लग रहा था कि उनको एक्चुअल में इनसिक्योरिटी हो रही है इस चीज को लेकर। वो कैमरे में भी आके कहती है कि ये बहू है जो टीवी पर अच्छी बन के दिखाती है, यह वाकई में अच्छी है कि नहीं है, उनकी वाट लगने वाली है मुझे, क्योंकि उसमें शो में दिखाया भी था अभी कि जैसे वो कैमरे के आगे जाके बोलते हैं कि बहुओं ने एक ग्रुप बना लिया है और ये संस्कारी बहुएं थी जिनका रूप अब दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ को लेके सलमान भड़केंगे आज घर में। मतलब ये कि आज जो सलमान खान आने वाले हैं वो एपिसोड ज़रूर देखना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल गाइज, आज के लिए बस इतना ही। हम बिग बॉस के अड्डे के साथ आते रहेंगे और आपको बिग बॉस से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए।